हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1-5 कंप्लीट कर चुके थे। तो देखते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो किस टाइप से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो स्टेटमेंट है वो सामने आप देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिए, जो 6 के स्टेटमेंट के में डबल डेरिवेटिव के साथ क्या लगा है, x लगा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि इसका कोफिशेंट हमें क्या चाहिए, 1। तो हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर लेते हैं। दिस मीन्स डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स हम x से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बनेगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस, ये 2x और अपॉन x करोगे तो ये क्या बचेगा, 2, और प्लस ये क्या बनेगा, 2 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स, प्लस x बाय x करोगे तो 1 और ये हुआ 2 बाय एक्स वाई इज्क्वल टू, या x बाय x 1 माइनस 2 बाय एक्स और साथ में है e^2x। क्लियर? अब ये किस फॉर्म में जा चुके हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज्क्वल टू आर, जहाँ पे जो पी की वैल्यू है वो है माइनस में 2 और माइनस में 2 बाय एक्स, जो क्यू की वैल्यू है वो है 1 प्लस 2 बाय एक्स इस तरीके से, और जो r की वैल्यू है एंड r इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय एक्स इंटू में e^2x, ये होगा भाई। अब देखिए, अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के वो रूल पता होने चाहिए। अब यहाँ 2 बाय एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है ये माइनस 2 है, अगर एक और प्लस का 1 मिल जाए तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे है कि 1 प्लस p प्लस q, ठीक है ना, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 p की वैल्यू माइनस 2 माइनस 2 बाय एक्स, क्यू की वैल्यू 1 और प्लस 2 बाय एक्स, तो ये 1 1 2 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देन y इज इक्वल टू, अब ये किसकी कंडीशन होती है, e^x की, इज द पार्ट ऑफ सी एफ, यानी कि ये इक्वेशन के सी एफ का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा भी, क्योंकि ये जो आइडिया हमें यहीं से लग जाता है भी पी क्यू एक्चुअल में है क्या, यानी कि अगर आप पी प्लस क्यू एक्स करते तो आपको सीधा पता था ये एक्स और ये टू हो जाता, कभी भी कैंसिल नहीं होता भी, यानी कि पी क्यू स्टेटमेंट को देखते ही हमें ये पता लग जाता है कि हम किस टाइप का ऑपरेशन लगाएं। क्लियर? तो उसके बाद हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू यू वी, यू का काम क्या करेगा, e^x, तो v e^x पूछ कर ले अभी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से v एज इट इज e^x का डेरिवेटिव यही रहेगा, e^x एज इट इज ये क्या हुआ, dv by dx, सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि d स्केयर वाई डी एक्स स्केयर, v एज इट इज e^x का एज इट इज e^x एज इट इज v का dv अपॉन dx, अब यहाँ से e^x एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो गया डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर, अब dv बाई डी एक्स एज इट इज e^x का क्या होगा, e^x और dv बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू आ गई, इन दोनों कम प्लस कर लेंगे यानी कि 2 बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर? तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है, डबल डेरिवेटिव में पहले ये लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, e^x डी स्केयर वाई और सॉरी डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 बनेगा, 2 e^x डी वी बाई डी एक्स, ये रह गया वी ई की पावर एक्स, तो ये हमने लिख दिया अभी। उसके बाद माइनस में 2 प्लस 2 बाय एक्स, इसके साथ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो वी e^x प्लस यह e^x और डी वी बाई डी एक्स, इनकी मल्टीप्लाई करनी है अभी। उसके बाद 1 प्लस
प्लस में है, वन प्लस टू बाई एक्स, और वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू वी इंटू ई टू द पावर एक्स इजक्वल टू, आर क्या है, वन माइनस टू बाई एक्स और ई टू द पावर टू एक्स होगा। ठीक है, इक्वेशन थोड़ी लंबी बनती है तो इसको ध्यान से देखना। आप आगे देखिए, यहाँ से बनेगा ई टू द पावर एक्स डी स्केयर वी डी एक्स स्केयर ये एज इट इज, टू ई टू द पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स ये एज इट इज, अब वी इंटू ई टू द पावर एक्स एज इट इज, माइनस टू की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस टू वी ई टू द पावर एक्स, यहाँ से माइनस टू ई टू द पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स, अब माइनस टू बाई एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस टू बाई एक्स वी ई टू द पावर एक्स, और यहाँ से माइनस टू बाई एक्स ई टू द पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स, वन की मल्टीप्लाई होगी तो वी ई टू द पावर एक्स पॉजिटिव, टू बाई एक्स की मल्टीप्लाई होगी टू बाई एक्स वी ई टू द पावर एक्स इजक्वल टू है वन माइनस टू बाई एक्स और ई टू द पावर टू एक्स। अब देखिए भी इसमें से क्या कैंसिल होता है, क्या रहता है, वो हमें चेक करना है। वी ई टू द पावर एक्स वी ई टू द पावर एक्स ये दोनों क्या हुए, प्लस के हुए ना दोनों, और लेकिन ये माइनस के टू है तो इससे कैंसिल हो गए। उसके बाद टू ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये टू बाई एक्स, ये देखो टू बाई एक्स वाली टर्म एक ये है, वी ई की पावर एक्स ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद है टू ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स, टू ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक तो ये टर्म बची है और एक ये टर्म बची है, भी इनको मैं आगे लिख लेता हूँ, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से टर्म बचेगी स्टार्टिंग में ई टू द पावर एक्स डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर, यहाँ से वैल्यू बची माइनस टू बाय एक्स ई टू द पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या है, वन माइनस टू बाय एक्स ए टू द पावर टू एक्स भाई। अब इसका कोफिशेंट भी हमें वन चाहिए, डबल डेरिवेटिव है तो ई की पावर एक्स से डिवाइड करोगे, जब ई की पावर एक्स से डिवाइड करोगे तो डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस, यहाँ ओनली टू बाय एक्स बचेगा डी वी बाय डी एक्स, यानी कि दोनों साइड हम ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ये वन माइनस टू बाय एक्स, और यहाँ ए की पावर एक्स से डिवाइड करोगे तो ओनली ए की पावर क्या बचा, ये एक्स बचा भी, क्लियर। अब यहाँ से किस फॉर्म में हो चुकी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की, सॉरी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन सेकंड ऑर्डर की है भी, क्योंकि लीनियर बनाने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, डी वी बाई डी एक्स को पी पुट करना पड़ेगा, तो ये लाइन अभी नहीं, एक स्टेप के बाद लिखेंगे, तो यहाँ हम पुट करेंगे डी वी बाई डी एक्स को पी पुट कर लेते हैं, सच दैट कि जो डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर होगा वो क्या बनेगा, डी पी बाय डी एक्स, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो थी लेकिन सेकंड ऑर्डर की थी, हमें फर्स्ट ऑर्डर की लेके आनी है, तो ये क्या बना, डी पी बाई डी एक्स, ये पुट करने से माइनस टू बाई एक्स, ये बना पी इजक्वल टू वन माइनस टू बाई एक्स ई टू द पावर एक्स। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, भी विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और फॉर्म क्या है, डी पी बाई डी एक्स प्लस पी डैश पी इजक्वल टू क्यू, जहाँ पे ये जो पी डैश है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस टू बाई एक्स, एंड जो क्यू डैश है, क्यू डैश की वैल्यू क्या है, वन माइनस टू बाई एक्स और ई टू द पावर एक्स भी, तो इस तरीके से। अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ए टू द पावर इंटीग्रल पी डैश डी एक्स, पी डैश की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर इंटीग्रल माइनस टू बाई एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे वन बाई एक्स लॉग एक्स और माइनस टू है, ए टू द पावर माइनस टू लॉग एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी ए टू द पावर लॉग एक्स की पावर माइनस टू, तो ई से लॉग कैंसिल होगा तो ये वन बाय क्या बचा,
एक्स स्क्वायर बचा भी, क्लियर। तो इसको अलग रखना, ये हो गया अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहते हैं, P इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि वैल्यू ये है 1 माइनस टू बाय एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। तो अब इसको फिर आगे लेके जाते हैं अभी। अब यहाँ से राइट साइड में है पी इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ वन बाय एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये बना वन बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ करोगे तो टू बाय एक्स क्यूब हो गए माइनस टू बाय एक्स क्यूब ए टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पी वन बाय एक्स स्क्वायर ये तो एज इट इज, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ए टू द पावर एक्स इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी वन बाई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में अगर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू में उसका डेरिवेटिव प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्लास ट्वेल्थ के अंदर आया था अभी नाइन्थ चैप्टर में। तो अब इस एक्स स्क्वायर को राइट साइड लेके जाते हैं, पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ तो ई टू द पावर एक्स बचेगा और ये सी वन एक्स स्क्वायर। अब पी की वैल्यू क्या है डी वी बाई डी एक्स जिसकी वैल्यू ई टू द पावर एक्स सी वन एक्स स्क्वायर बनेगा भी, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ से चेक कर लीजिए वो क्या थी डी वी बाय डी एक्स थी भी। तो अब डी एक्स राइट साइड जाएगा यहाँ से डी वी इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स सी वन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी। यहाँ से वी एज इट इज ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो यही रहेगा प्लस सी वन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय क्या आएगा थ्री आएगा, ये वैल्यू क्या है वी की। और अब हमें क्या चाहिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा वाई इज इक्वल टू यू वी, जो यू की वैल्यू थी वो ये किसका काम कर रहा था अभी यू का काम कर रहा था यानी कि ए की पावर एक्स। तो यहाँ से ए की पावर एक्स इंटू में ए टू द पावर एक्स प्लस सी वन एक्स क्यूब बाय थ्री। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू भी साथ में रखना है, ठीक है ना। तो साथ में यहाँ क्या लगाएंगे सी टू भी लगाएंगे भी, क्योंकि दोबारा इंटीग्रेशन किया तो अगेन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर टू एक्स हो गया प्लस वन बाय थ्री सी वन ए टू द पावर एक्स और एक्स क्यूब प्लस सी टू ए टू द पावर एक्स। तो ये हमारा क्या आया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पे, क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्स प्लस वन इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री सिंगल डेरिवेटिव प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो सेम वही प्रोसीजर, इसका कोएफिशिएंट हमें वन बनाना है तो डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस वन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड हम किससे डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से। तो एक्स प्लस वन से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये बनेगा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर और यहाँ बनेगा माइनस टू ये एक्स प्लस थ्री है और ये है एक्स प्लस वन और डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद प्लस एक्स प्लस फाइव है और अपॉन एक्स प्लस वन आएगा इंटू वाई इजक्वल टू ई टू द पावर एक्स और ये एक्स प्लस वन हो गया। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि बाद में जब ये डिवाइड में इस टाइप के इंटीग्रेशन आप सोल्व करोगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो चेंज इस तरीके से करते हैं डी वाई स्केयर डी एक्स स्केयर माइनस इस थ्री को मैं वन प्लस अगर टू लिखूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी, है तो अभी थ्री। अब देखो टू इंटू एक्स प्लस वन के डिवाइड में एक्स प्लस वन करते हैं तो ये प्लस लगा लेते हैं माइनस का क्या हुआ ये तो आया माइनस का टू और इस माइनस टू की मल्टीप्लाई टू के साथ करते हैं तो माइनस का फोर और उसके डिवाइड में एक्स प्लस वन लगा लेते हैं अलग से। ध्यान से समझना इसको, एक्स प्लस वन के साथ माइनस टू की मल्टीप्लाई की और ये इससे डिवाइड कर दिया फिर माइनस टू इंटू माइनस टू और फिर इससे डिवाइड कर दिया यानी कि अलग अलग डिवाइड कर दिया। यह आया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऐसा ही इसमें करते हैं अभी ये जो फाइव है इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस फोर लिखा
x प्लस वन के डिवाइड में x प्लस वन आएगा तो 1, और 4 के डिवाइड में x प्लस वन आएगा। या ऐसा आप क्लास 12th इंटीग्रेशन में भी करते थे, लेकिन अभी इंटीग्रेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए, और तो कुछ नहीं है। हम ऐसे लिख लेते तो ये गलत नहीं होता, लेकिन बाद में जब आप इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करोगे वहाँ काफ़ी दिक्कत आएगी, अभी मैं बताऊँगा आपको। तो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये किस फॉर्म में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ पे जो p की वैल्यू है वो है -2 -4/x+1, और जो q की वैल्यू है 1+4/x+1, एंड जो r की वैल्यू है e^x/(x+1) है भी। अब देखें यहाँ आपको क्या दिख रहा है भी, कि पी क्यू में क्या है, ये 4/x+1 ये तो वैसे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, एक और 1 मिल जाए, दिस मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर 1+p+q, यानी कि 1+p करोगे तो -4/x+1 प्लस 1+4/x+1, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी इक्वल टू क्या बनेगा, 0। यानी कि यहीं से हमें आइडिया आ जाता है भी हमें सोल्व कैसे करना है। उसके बाद देन y इज इक्वल टू, ये किसके लिए होता है, e^x इज द पार्ट ऑफ cf, यानी कि वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या बनेगा, पार्ट। तो अब हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, अब ये किसका काम करेगा, u का काम करेगा भाई, यानी कि u डॉट v, तो v e^x लिख सकते हैं अभी, तो वही डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx v एज इट इज e^x का एज इट इज, तो e^x एज इट इज इसका dv/dx बनेगा, अगेन डेरिवेटिव d^2y/dx2, ये v एज इट इज इसका डेरिवेटिव सेम, e^x एज इट इज ये dv/dx, आप देखो e^x एज इट इज इसका बनेगा d^2v/dx2 और dv/dx और e^x का एज इट इज, तो ये हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है। अभी इक्वेशन नंबर 1 डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, पहले डबल वाले को लिख लेते हैं, e^x d^2v/dx2, उसके बाद ये दोनों ऐड होंगे भी, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, 2e^x dv/dx प्लस ये v e^x, ये तीनों लिख लिया हमने, ये कंप्लीट हुआ, -2 इसकी मल्टीप्लाई dy/dx के साथ करनी है अभी, तो प्लस में -2 -4/x+1 dy/dx ये है, v e^x प्लस e^x और dv/dx ये हो गया अभी। अब 1+4/x+1 और प्लस में है 1+4/x+1, इसकी मल्टीप्लाई हमें y के साथ करनी है, y की वैल्यू है v e^x राइट साइड में क्या है, e^x/(x+1) है भी। तो अब इनकी मल्टीप्लाई सोल्व करनी पड़ेगी, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं बची हुई, तो अलग डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। तो यहाँ से e^x d^2v/dx2, सेकेंड टर्म भी एज इट इज, प्लस 2e^x dv/dx होगा, यहाँ से प्लस v e^x बनेगा। अब उसके बाद देखो -2 की मल्टीप्लाई यहाँ है, तो -2 v e^x, यहाँ भी -2, तो -2 e^x dv/dx, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी अब -4/x+1, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, v e^x के साथ। अब ऐसे ही -4x+1 और ये क्या है e^x dv/dx, अब इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, v e^x और +4/x+1 और साथ में क्या आएगा, v e^x,
और राइट साइड में वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। काफ़ी लंबा हो गया अभी ये, तो अब देखते हैं क्या कैंसिल होता है। वी ई की पावर टू एक्स, ये माइनस और एक ये, यानी कि एक और एक दो और दो माइनस दो जीरो हो गया अभी। उसके बाद अब हम देखते हैं फोर बाय एक्स प्लस वन वी की पावर एक्स, फोर बाय एक्स प्लस वन वी की पावर एक्स, ये भी कैंसिल हुआ। और देखिए ये टू ई टू द पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स, ये भी कैंसिल हुआ। सिर्फ एक ये टर्म बची, एक ये टर्म बची, दो टर्म तो बचेगी भी हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर। तो ई टू द पावर एक्स डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर, यहाँ से बचा माइनस फोर बाय एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स, राइट साइड में e टू द पावर x और x प्लस वन। तो अब हम क्या करते हैं कि e टू द पावर x हटाना है यहाँ से, तो e टू द पावर x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, तो ये क्या बनेगा डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस फोर बाय एक्स प्लस वन डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन हो जाएगा अभी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहते हैं, हम पुट करते हैं डी वी बाय डी एक्स को पी, एंड इसका जो डबल डेरिवेटिव है डी स्केयर वी डी एक्स स्केयर, वो क्या बन जाएगा, वो पी का डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बनेगा डी पी बाय डी एक्स, डी पी बाय डी एक्स माइनस फोर बाय एक्स प्लस वन पी इजक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन। ठीक है ना, अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी पी बाई डी एक्स प्लस पी डैस पी इज इक्वल टू क्यू डैस, जहाँ पे ये जो पी डैस है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस फोर बाई एक्स प्लस वन, एंड जो क्यू डैस है वो है वन बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये होगा। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए टू द पावर इंटेग्रल पी डैस, इनकी माइनस फोर बाय एक्स प्लस वन डी एक्स, तो ए टू द पावर माइनस फोर बार रहेगा, ये क्या बना, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ये माइनस फोर है इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये ई से लॉग कैंसिल, तो वन बाय एक्स प्लस वन की पावर क्या आया, फोर आया। ठीक है ना, नेगेटिव पावर है तो डिवाइड में लिख लिया। अब हमें चाहिए इसका सोल्यूशन भी, तो सोल्यूशन निकालने के लिए वैल्यू क्या आती है, पी इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि वन बाय एक्स प्लस वन की पावर फोर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू, यानी कि वन बाय एक्स प्लस वन इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि वन बाय एक्स प्लस वन की पावर फोर। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, और साथ में ये डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन, तो इसको फिर आगे लिख लेते हैं यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ये आया p इंटू वन बाय एक्स प्लस वन की पावर फोर इज इक्वल टू, ये x प्लस वन की पावर क्या हो गया, फाइव, और ऊपर जाएगा तो माइनस फाइव, इंटीग्रेशन करोगे माइनस फाइव प्लस वन, तो पावर क्या बनी, माइनस फोर, और डिवाइड में माइनस फोर भी आएगा, तो दिस मीन्स इसको चेक कर लेना, माइनस वन बाय फोर और x प्लस वन की पावर फोर प्लस सी वन, ये वैल्यू आई भी। ठीक है ना, यानी कि ये लीनियर है ना, ये जैसे वन बाय एक्स की पावर फाइव है, तो एक्स की पावर माइनस फाइव इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस वन होगा, यानी कि एक्स की पावर माइनस फोर बचा, और डिवाइड में भी माइनस फोर, वही मैंने किया है भी। तो अब इनकी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी इज इक्वल टू, यहाँ से तो माइनस वन बाय फोर बच जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस सी वन के साथ इसकी मल्टीप्लाई बचेगी फोर। अब पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या थी, डी वी बाय डी एक्स, यहाँ से चेक कर लीजिए कि p को हम हर बार क्या पुट करते हैं, डी वी बाई डी एक्स, तो ये हुआ माइनस वन बाय फोर प्लस सी वन एक्स प्लस वन टू द पावर फोर। तो डी एक्स को राइट साइड लेके जाओगे तो डी वी इजक्वल टू माइनस वन बाय फोर डी एक्स इसके साथ भी, और प्लस सी वन कॉन्स्टेंट एक्स प्लस वन की पावर फोर डी एक्स, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन, प्लस एक और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा, सी टू। डी वी क्या हुआ, v, ये माइनस वन बाय फोर क्या बना, साथ में x लग जाएगा, प्लस c1 वन एज इट इज, इसमें पावर वन करोगे, वन प्लस करोगे तो फाइव हो गया, यानी कि x प्लस वन की पावर फाइव और बाय में फाइव, प्लस क्या आया, c2।
ये किसकी वैल्यू है, v की। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यू डॉट वी। वाई इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या थी भी, यहाँ चेक कर लीजिए, e टू द पावर x थी। तो इस पूरे को e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि v की वैल्यू ये है। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस वन बाई फोर एक्स ए टू द पावर x प्लस सी वन एक्स प्लस वन की पावर फाइव अपॉन फाइव ए टू द पावर x प्लस सी टू और इन टू में ए टू द पावर x। तो इस तरीके से आपने ये सोल्व करना है भी, क्लियर। तो ये यहाँ से हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर। मेन मुद्दा है बस v निकालना। अब u तो डायरेक्टली आ ही जाता है, अभी वो मेथड बता रखे हैं टू फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब v के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8th और 9th हैं, वो थोड़े ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू गिवन है। तो 8th और 9th दोनों एक जैसे है, उसमें से 8th आप खुद करोगे, 9th में आपको सॉल्व करवा देता हूँ भी। 9th में x sin x plus cos x double derivative minus x cos x dy by dx plus y cos x is equal to 0। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि डबल डेरिवेटिव का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x साइन एक्स प्लस कोस एक्स बोथ साइड, ठीक है ना। तो दोनों साइड हम इसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड करोगे तो वन बन जाएगा, यानी कि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस। अब ये एक्स कोस एक्स को डिवाइड करोगे एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स से, साथ में है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस। अब ये यहाँ है कोस एक्स, इसके डिवाइड में आएगा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साथ में है वाई इक्वल टू जीरो। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में है भी, जहाँ पे अगर हम चेक कर पा रहे हैं वेयर जो p की वैल्यू है वो है माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये वैल्यू है। q की वैल्यू है कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड r की वैल्यू है जीरो। अब पी क्यू को देखिए, आपको क्या लग रहा है अभी, अगर यहाँ एक्स और लगा दें तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सारी वैल्यू एज इट इज है, एक यहाँ एक्स लगना बाकी है। तो सीधा ही आइडिया हो रहा है यहाँ से, तो हेयर पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। पी एज इट इज लिखोगे, क्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स कोस एक्स डिवाइड में दिस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप लिख लेना अभी, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे देन, ये किसके लिए होता है पी प्लस क्यू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, किसमें होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर होगा। तो उसके बाद हम मान लेते हैं y को, अब ये किसका काम करेगा, u का काम करेगा भी, u v यानी कि v x हम मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज इसका dv वी वाई डी एक्स हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर करोगे, v का dv वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर। उसके बाद अब dv वी बाई डी एक्स एज इट इज और x का क्या हो गया 1, और ये दोनों dv वी बाई डी एक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा भी, क्लियर। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये लिखोगे, तो यहाँ से x डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, अब प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस x कोस x अपॉन x यहाँ है साइन x, x साइन x प्लस कोस x, इसकी मल्टीप्लाई करनी है dy वाई बाई डी एक्स के साथ, dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है v प्लस x dv बाय dx। उसके बाद है प्लस cos x डिवाइड में x sin x प्लस cos x इंटू वाई की वैल्यू है vx एक्स इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 0। तो आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं इसको,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वी कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ से एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर तो माइनस का एक्स स्केयर कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साथ में डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एज इट इज है ही, यानी कि वी एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स और प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये वी एक्स कोस एक्स के डिवाइड में एक्स साइन एक्स कोस एक्स वी एक्स ये कैंसल, ठीक है ना। और क्या बनेगा भाई, ये डी वी बाई डी एक्स, ये डी वी बाई डी एक्स वाली टर्म, इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ से, तो अलग कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आई एक्स डबल डेरिवेटिव एक्स डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर। ये जो दो टर्म बची है दोनों में से डी वी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा प्लस में टू और यहाँ से माइनस एक्स स्केयर बाय एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साथ में क्या है डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, इसका कोफिशेंट क्या बनाना है अभी, वन, तो एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स से डिवाइड करोगे तो ये तो क्या हो गया वन, और यहाँ एक्स से डिवाइड करोगे क्या बनेगा टू बाई एक्स, और इसको एक्स से डिवाइड करोगे तो ये एक्स की पावर सिर्फ एक रह जाएगा, और राइट साइड में तो जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी। तो अब हम पुट कर देते हैं डी वी बाई डी एक्स को पी, देन कि जो डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर होगा वो क्या बनेगा डी पी बाय डी एक्स के। तो यहाँ से आया ये डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस टू बाय एक्स माइनस एक्स और एक मिनट ऊपर कोस एक्स भी था भी साथ में, अकेला एक्स छोड़ दिया एक्स कोस एक्स, ठीक है ना। ये एक्स स्केयर कोस एक्स था तो एक्स कैंसिल हुआ, एक्स कोस एक्स बचेगा, तो एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी वी बाई डी एक्स की जगह पी राइट साइड में जीरो। अब यहाँ देखिए, अब हमें इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या है पी लिखा है अभी साथ में, अब इस सारे को हम नेगेटिव लेके जाएंगे उस साइड, तो ये क्या बनेगा डी पी बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये बना माइनस में टू बाय एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये क्या है पी इस तरीके से। अब पी को तो यहां ले आओ डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, और ये जो डी एक्स था वो किसकी जगह चले जाएगा P की जगह, ठीक है ना। यानी कि ये जो dx था ये तो राइट साइड चला गया, P डिवाइड में आ गया। अब ये नेगेटिव है दोबारा फिर इस साइड ले आओ इसको, तो dp अपॉन p ये प्लस हो जाएगा। अब 2 बाय x माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x और दोनों के साथ क्या है dx इज इक्वल टू जीरो, बात तो एक ही होगी। अब दोनों साइड फिर इंटीग्रेशन ले लेते हैं अभी, ठीक है ना। वहाँ जीरो का इंटीग्रेशन, चलो उसको तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेंगे। डी पी बाई पी का ये क्या बनेगा लॉग पी, और टू बाई एक्स का क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू लॉग एक्स माइनस में। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर हम एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करें तो एक्स कोस एक्स बनेगा, वो कैसे, जैसे यहाँ देखिए मैं इसको अलग से लिख के दिखा देता हूँ, बाद में इसको क्या कर देंगे रफ कर देंगे भी। अब एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस, अब देखो साइन एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा वन, ये तो होगा प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कटा तो ये क्या बचा एक्स कोस एक्स। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई भी, यानी कि ऊपर तो क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है और डी एक्स है, तो हम क्या करते थे एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर लेते थे ताकि एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए डी टी, यानी कि वो क्या बनेगा वन ओवर टी और डी टी, जिसका इंटीग्रेशन किस में जाएगा लॉग के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ लॉग ऑफ
फंक्शन यानी कि एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और राइट साइड में हम ले लेते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग सी वन, ठीक है ना। तो ये फंक्शन ये था ना कि एक्स कोस एक्स, इसका भी ध्यान रखना। तो अब ये टू है तो इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन बना तो लॉग पी एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इक्वल टू लॉग सी वन। तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको लिखा जा सकता है लॉग एम बाय में एन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू लॉग सी वन। लॉग फंक्शन बोथ साइड से कैंसिल हुआ तो इसकी मल्टीप्लाई होगी पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा सी वन एक्स साइन एक्स, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस सी वन कोस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर दोनों के क्या जाएगा डिवाइड में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड में। तो एक्स से तो एक पावर हुई कैंसिल, पी की वैल्यू क्या है डी वी बाई डी एक्स, तो इस साइड डी वी रख लेते हैं उस साइड, ये क्या बना सी वन साइन एक्स बाय एक्स प्लस सी वन, और ये जो डी एक्स है डी वी बाई डी एक्स इसके साथ में लगा लेते हैं डी एक्स प्लस सी वन कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दोनों साइड क्या ले लेते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो v का तो dv का इंटीग्रेशन आया v। अब ये देखो यहाँ इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि c1 वन बाय एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस का कोस एक्स, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो c1 वन बाय एक्स स्क्वायर क्या बनेगा नेगेटिव, क्योंकि c1 तो कॉन्स्टेंट है, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था माइनस का कोस एक्स, तो ये क्या बन गया प्लस बन गया अभी डी एक्स, इसको अभी सोल्व करना रहता है प्लस। अब ये दूसरे वाला है इसको एज इट इज लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ सी वन कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस दोबारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c2 टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए c1 वन बाय एक्स स्क्वायर कोस एक्स का इंटीग्रेशन एक बार तो नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू तो सारी क्या होगी कैंसिल। तो यहाँ मैं आगे लिख लेता हूँ, अब जो v की वैल्यू बचेगी भी v इज इक्वल टू, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस c1 वन बाय एक्स कोस एक्स, और प्लस का क्या बचा c2, यानी कि ये दोनों इंटीग्रेशन क्या हो गए कैंसिल हो गए, हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो v की वैल्यू आ चुकी है, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा y इज इक्वल टू यू डॉट v, ये क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, u की वैल्यू क्या थी यहाँ पे x, तो y इज इक्वल टू x इंटू में ये है माइनस सी वन बाई एक्स कोस एक्स प्लस सी टू, इस तरीके से करोगे बस। अब x की मल्टीप्लाई कर देंगे y इज इक्वल टू, यहाँ से तो x कैंसिल हुआ माइनस सी वन कोस एक्स प्लस सी टू एक्स हो गया अभी, तो ये हमारा क्या बनेगा रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इजी है, यानी कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट सभी के वही है, अभी प्रोसीजर वही है, अब स्टेटमेंट तो देखो क्वेश्चन में चेंज होगी, अगर सारी स्टेटमेंट एक जैसी दे दी तो वो एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ भी, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है ना, अब करने को तो यहाँ जैसे पी एक्स स्क्वायर ये आया था, मैं सी वन के साथ इकट्ठा लिख देता बाय एक्स स्क्वायर और उसको बैठ के सोचता रहता हाँ भाई इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन कैसा होगा, इसमें तो कोसेंट रूल लगेगा, वो रूल लगेगा, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना, आपने सोचना है हाँ भाई इसको कैसे सोल्व करें कि ईजिली इंटीग्रेशन हो जाए। अब जिनका इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है, उनको जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बिन क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन सारा का सारा बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के ऊपर क्लियर। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, 7th पढ़ा, 9th पढ़ा, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब आप एक बार उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, अगर वो सोल्व हो जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर हमारा सोल्व होगा, लेकिन अगर सोल्व नहीं होते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ में से चेक कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में से तभी चेक करना है जब आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं कि बस वीडियो देखते ही फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो और
वहां से देख के लिख दो भी, इसमें आपकी प्रैक्टिस जीरो रहेगी और मैथ आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी होगी, यानी कि इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे पीडीएफ का सहारा लेने की आपको जरूरत ना पड़े। पीडीएफ जस्ट एक बैसाखी है जो आपको तभी लेनी होती है जब उसका यूज हो, यानी कि कहने का मीनिंग जब सारे रास्ते बंद हो गए हो तब आपने पीडीएफ पे जाना है, अदरवाइज आप पीडीएफ ओपन मत किया करो भी। ये आपके लिए एक सही सुजेशन है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट बस पीडीएफ पे फोकस करते हैं, वीडियो तो देखते भी नहीं, सीधा पीडीएफ बस। इस वजह से मैं पीडीएफ में सिर्फ वही क्वेश्चन डालता हूँ जो मैंने यहाँ नहीं करवाए। अगर मैं इनकी भी पीडीएफ डाल दूँ तो वीडियो क्लिक करते सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं अभी, क्लियर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पहले खुद प्रैक्टिस करें, अगर बिल्कुल भी ना हो तो आप पीडीएफ का सहारा लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे का प्रोसीजर है 6.1 के और क्वेश्चन रहते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।